दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी जोंग की सिम पर ना बैलेंस की ज़रूरत होगी ना ही पैकेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जोंग की सिम पर अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यार आपको बैलेंस चेक कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है यार आपके पास बैलेंस था तो यहाँ पर ये देख रहे हैं *222# यहाँ पर ये पहली सिम पर मैं जो आपको चेक करा रही है, ठीक है। यहाँ पर पहली सिम में मैं नेट भी सब कुछ पहली सिम पे चलाऊंगा तो ये देख लें, यू हैव इनसिक्योर बैलेंस प्लीज रिचार्ज और डायल *911# फॉर एडवांस बैलेंस। तो मेरा बैलेंस जीरो। इसके बाद यहाँ पर मैं डेटा कनेक्शन को ऑन करता हूँ और बैक कर लेता हूँ। अभी मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ मेरा यूट्यूब जो ओपन होता है या नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों यार सब कुछ आपके सामने करूँगा, सब कुछ सारी सेटिंग जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप चेक करें हमारे जो यूट्यूब है वो बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि यार हमारे पास कोई पैकेज ही नहीं है, कैसे होगा ओपन। उसके बाद यहाँ पर मैं माई जोंग ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर माई जोंग ऐप ओपन करूँगा, यहाँ पर मैं अपने अकाउंट में आ जाता हूँ और यहाँ पर देख लें दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सब कुछ चेक कराऊँगा कि यहाँ पर मेरे पास कोई पैकेज वगैरह है या नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास जो है सुपर वीकली प्लस था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर ये देख लें न्यू व्हाट्सअप बंडल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये देख लें न्यू व्हाट्सअप बंडल सिर्फ मेरे पास है और कुछ भी नहीं है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर वीकली प्लस जो कि मेरे पास लगा हुआ था, इसकी MB जो है ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर ये देख लें दोस्तों यार आपके सामने सब कुछ, मेरे पास कोई अभी पैकेज नहीं लगा हुआ, ठीक है। सुपर वीकली मेरे पास लगा हुआ था जिसकी अभी MB ख़त्म हो चुकी है। तो अभी आपको जो चेक करूँगा इस किस्म पर कि किस तरीके से मैं नेट चलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ। बहुत सारों को यार दोस्तों को प्रॉब्लम होती है कि यार आपके पास पैकेज था, तो यार दोस्तों चेक कर लेना आप। तो यार मुझे उम्मीद है आपको अब तो ये तो पता चल गया कि मेरे पास कोई पैकेज नहीं है, ठीक है। उसको यहाँ पर आप दोस्तों नहीं करना क्या, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन है आपने इसको क्लोज कर लेना है, और आपने तब सबसे पहले एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है इसका VPN। दोस्तों आपके पास पहले वाला इसका VPN है, आपने उसको अनइंस्टॉल करना है तभी आपके पास ये इंस्टॉल होगा, वरना आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आपने पहले उसको अनइंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने किसी भी HiVPN की मदद से इसको कनेक्ट करना है। अगर आपके पास HiVPN नहीं है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप किसी से हार्ड सपोर्ट लेकर या फिर वाईफाई की मदद से किसी भी तरीके से दोस्तों आपने पहले एक बार जो है इस VPN को कर लेना है कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं जो अपने जो ओनली 3G कर लेता हूँ अपने मोबाइल को, ताकि 3G के सिग्नल आ जाए, और सॉरी 4G के, ठीक है। यहाँ पर मैं जो 4G के सिग्नल पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं जो इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं HiVPN को कर लेता हूँ ओपन, तो यहाँ पर मैं जो पहले HiVPN को कनेक्ट करके आपको चेक करा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा HiVPN कनेक्ट हो चुका है, उसके ज़रिए दोस्तों आपने पहले उसके सर्वर लोड कराने, ठीक है। ये इसका VPN के सर्वर लोड कराने, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसे ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऐसा इंटरफेस आया तो आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ये ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन शो होगा, तो आपने यहाँ पर इन 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपने जो ये जो बेसिक में हो जाएगा, तो आपने इसको बैक कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या, उसके बाद आपने हैकअप डेटा को ओपन कर लेना है, और हैकअप डेटा को ओपन करने के बाद हैक यूज़र ऐप्स पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इसका VPN आपको ये हैकेबल मिलेगा, तो आपने उस पर क्लिक करना, और नीचे आपने प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपने इसका इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने सारी सेटिंग पहले की हुई है, तो आपने जो जैसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल आपने उसी तरीके से सेटिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। मैंने तो पहले सारी की सारी सेटिंग पहले से ही की हुई है, ठीक है दोस्तों। ये आपने जो यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको लोकल इन्फो का ऑप्शन शो होगा, तो आपने लोकल इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 3-4 सेटिंग जो कि आपको करनी है, यहाँ पर एक्टिव डिवाइस की, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्टिव डिवाइस की, इसमें कुछ लेटर लिखे होंगे नीचे, यहाँ पर इस तरीके से लेटर लिखेंगे, तो आपने इनको सारे लेटर को जो हटा देना है, और उसके बाद सेव और उसके बाद क्लोज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको एक और ID जो है यूज़र ID का ऑप्शन होगा, तो यूज़र ID जो आपको दिखा रही है डिस्क्रिप्शन में, ये जो मैं आपको ये देख रहे हैं, इसी यूज़र ID को आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने सेव और क्लोज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इससे यूज़र ID के मैं आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहीं से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यूज़र ID को आप दोस्तों ने इस तरीके से कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपने जाना है अपने इसका VPN पर, और उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये ऑप्शन आए तो आपने इसको ओके कर लेना है, और इसके बाद एक बार इसको जो कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये कनेक्ट होकर आ जाएगा, तो यहाँ पर अब आपने करना क्या दोस्तों, थोड़ी सी वेट करना, क्योंकि कनेक्टिंग होने पहली दफ़ा थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो VPN है वो कनेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद आपने बैक चले जाना है। बैक चल जाने के बाद दोस्तों आपने करना क्या दोस्तों, यहाँ पर आपने इसको जो यहाँ से कट कर लेना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और ऑप्शन शो होगा जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होता है
जो है सेलेक्टेड कंट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्टेड कंट्री का ऑप्शन आपने फाइंड कर लेना है, वो आपको ऊपर मिलेगा इसका इन्फो के ऑप्शन पर, ठीक है। इसका इन्फो के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको सेलेक्टेड कंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसको आप दोस्तों ने जो है किया क्या क्या करना मैं आपको बता दें, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्टेड कंट्री का ऑप्शन मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पर ये देख लें सेलेक्टेड कंट्री का ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास यूके या फिर कुछ भी होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपने बड़े लेटर में एश और के लिख लेना है, ठीक है दोस्तों, बड़े अल्फाज में एश के लिख लेना है, उसके बाद सेव कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर क्लोज, उसको यहाँ पर इसको आपने हाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर हाई वीपीएन इसको भी आपने कनेक्ट जो है छोड़ देना है, ठीक है, सब कुछ करना है। उसके बाद आपने इसका इन्फो जो इसका वीपीएन को ओपन करना है, और दोस्तों फिर आपका जो ये वीपीएन यहाँ पर हांगकांग के ऑप्शन पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले आपके ऑप्शन पर नहीं आ रहा था हांगकांग के, मैंने तो सेटिंग की हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये हांगकांग के ऑप्शन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों ने कनेक्ट के ऑप्शन पर सिंपली से कनेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर 2 सेकंड में आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फ्री में नेट यूज़ कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें ज़ोंग की सिम पर। और दोस्तों यार 100% वर्किंग वीडियो यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों काफ़ी अच्छी जो है स्पीड आ रही है, और ये जो 600 MB तक चलेगा, ठीक है, 600 MB तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों आपने अनलिमिटेड कैसे लेनी है, यहाँ पर 600 MB आपकी खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, फिर से दोस्तों आपने अपने हैक के जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दें, फिर से आपने हैक अप डेटा पे जाना है, उसके बाद 600 MB आपकी खत्म हो जाए तो आपने हैक अप डेटा पे जाने के बाद इसका इन्फो पे आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपने प्रेफरेंस के ऑप्शन पर आना है। जब आपकी 600 MB खत्म हो जाए तो यहाँ पर फिर से आपने यूज़र आईडी को थोड़ा चेंज कर लेना है, ठीक है। यूज़र आईडी को बस आपने एक लेटर चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना, सिंपल है दोस्तों। कोई भी एक यूज़र आईडी का ऑप्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यूज़र आईडी को फाइंड कर लेता हूँ पहले दोस्तों। यहाँ पर यूज़र आईडी का ऑप्शन पर आप दोस्तों ने आने के बाद कौन सी सेटिंग जो करनी चाहिए यहाँ पर देख लें। यहाँ पर अभी 4 है तो आपने यहाँ लास्ट वाला 4 का टकर 5 रख लेना है, ठीक है। अगर आपकी एमबी ख़त्म होती है तो आपने 5 रख लें और सेव के बाद क्लोज कर लें। तो अभी मेरी 4 पर जब बहुत ज़्यादा एमबी पड़ी है तो मैं ये 4 पर यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद।